किसानों का एक और बड़ा आंदोलन और आंदोलन को लेकर किसानों की तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी डटी हुई है, एक तरह से कहा जाए किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए। कंटीले तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नुकीली कीलों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जब किसान अपने ट्रैक्टर के जरिए वहां पर पहुंचे तो वो अंदर ना आ पाए बॉर्डर पर। ये जो सब कुछ हो रहा है इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आंदोलन कुचला जा रहा है। जी हाँ, अपने अन्नदाता, जिन्हें हम और आप अन्नदाता कहते हैं, जिसे गवर्नमेंट भी रिझाने की खूब कोशिश करती है और लगातार जो सरकार है उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम किसानों के हितेशी हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तैयारी की गई है, जो नुकीले तार बिछा दिए गए हैं, नुकीले कीले बिछा दी गई हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई हैं, सीसीटीवी कैमराज लगा दिए गए हैं और पुलिस बल को जिस तरह से तैनात किया गया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार किसानों की हितेशी है। तो किसानों का दिल्ली चलो मार्च, हालांकि इसको रोकने के लिए कई मीटिंग्स भी हुई और एक अहम मीटिंग रात में हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा मौजूद थे। करीब करीब 5 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग हुई, लेकिन किसानों के साथ कोई बात नहीं बनी। दरअसल किसान एमएसपी की कीमतों को लेकर अटल है। जी हाँ, उनकी डिमांड है कि जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, वो किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आएंगे सरकार के। तो ये जो मीटिंग हुई है, जो 5 घंटे से ज्यादा की मीटिंग हुई है मिनिस्टर्स के साथ, बात नहीं बनी है। किसानों का कहना यह है कि हमारी मांगों को दरअसल पूरा नहीं किया गया है, ना माना जा रहा है, इसलिए ये आंदोलन होकर ही रहेगा और ये आंदोलन अब सबके सामने है। किसान मजदूर मोर्चा का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करना चाहती, वो सिर्फ हमें बहलाना चाहती है। सरकार के मन में, गवर्नमेंट के मन में खोट है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि 16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। जी हाँ, भारत बंद का बुलावा किया है, लेकिन वो मांगे क्या है जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम मानेंगे नहीं। दरअसल किसानों का ये कहना है कि सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए और इसके साथ साथ गत्ते का एफआरपी और एसपी स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूलों के अनुसार ही दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाए। किसानों और मजदूरों का जो पूरा कर्ज है उसको माफ कर दिया जाए और पिछली दिल्ली आंदोलन की जो अधूरी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। हमने देखा था पिछली बार आंदोलन हुआ था, 3 जो कानून बनाए थे सरकार ने, फिर सरकार ने ये कहा कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं। उस वक्त जो मांगे किसानों की थी वो दरअसल अभी भी पूरी नहीं हुई है और इसी को लेकर किसान जो है वो लगातार डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ किसानों का ये भी कहना है कि समझौता हुआ है, समझौते के अकॉर्डिंग जो घायल हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, जो कि अभी तक दिया नहीं गया है। दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी जो आंदोलन है उनमें जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए, जो पहले के मुकदमे दर्ज थे वो अभी तक दरअसल वापस नहीं लिए गए हैं। दरअसल ये मैंने कुछ आपको मांगे बताई जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं, किसान मजदूर मोर्चा के जो अलग अलग संगठन मिलकर सामने आए हैं वो मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन पर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ ही साथ 12 फरवरी से 12 मार्च तक, यानी पूरे 1 महीने ये धारा लगी रहेगी। कहा यह जा रहा है कि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, जो अन्नदाता, जो आप अन्न खाते हैं, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उन कृषकों की, उन किसानों की मांगों को नहीं माना जा रहा है। दरअसल 26 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन शुरू हुआ था और अब एक और आंदोलन हम देख रहे हैं। तब 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान अड़ गए थे, उस वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से महीनों महीनों किसान जो है वो बॉर्डर पर टिके हुए थे, अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे, डिमांड कर रहे थे, लेकिन सरकार टस से मस नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बाद 19 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी को 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा था और उसके बाद ही किसान शांत हुए थे और अब फिर से अपनी मांगों को लेकर किसान सामने आए हैं और एक फिर से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इतनी कोशिशें की गई हैं, कहीं पर कीले बिछा दी गई हैं ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए कहीं पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, बड़े बड़े बाड़ लगा दिए गए हैं, खुदाई करवा दी गई है, कहीं किसान चलकर अंदर की तरफ ना आ जाए, बॉर्डर से अंदर ना आ जाए, दिल्ली में ना पहुंच जाए, इतनी कोशिशें अगर सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए करे तो इस आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी।
आप सभी का क्या कहना है किसानों के इन आंदोलन को लेकर, अन्नदाता के इन आंदोलन को लेकर? किसान जो अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं सरकार से, किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।